पूरा का पूरा सिंधिया परिवार अब आ गया है भारतीय जनता पार्टी में। यहां तक कहा गया कि दादी का सपना पूरा हो रहा है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि कल ज्योतिरादित्य सिंधिया का भव्य स्वागत बीजेपी दफ्तर में भोपाल में किया जाएगा और वहीं पर पूरी तैयारी हो रही है स्वागत के लिए। इस बीच पार्टी छोड़ने पर सचिन पायलट का बयान आया है, सिंधिया के पार्टी छोड़ने पर सचिन पायलट का बयान आया है। सचिन पायलट ने दरअसल ट्वीट करके कहा है, अनफॉर्चुनेट टू सी सिंधिया पार्टिंग वेज विद कांग्रेस। उन्होंने कहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आई विश थिंग्स कुड हैव बीन रिजॉल्व्ड कोलैबोरेटली विद इन द पार्टी। यानी वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी। मैं ये मानता हूं कि आपस में ही बातचीत करके पार्टी के अंदर ही इसका हल निकाला जाना चाहिए था। तो क्या ये अपने आप में एक संकेत है? बेहतर होता अगर मुद्दे को खुद ही सुलझा लिया जाता। और आई विश वो कह रहे हैं, यानी मैं ये मानता हूं, मैं ये चाहता कि पार्टी के अंदर ही जो भी आपस में मतभेद थे उनको कोलैबोरेटिवली यानी बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाता। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।